दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुपिटर हॉस्पिटल के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय सुरासे जी से कि ये जो कैंगेन वाटर है, अल्कलाइन वाटर, ये मानवीय शरीर को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है और इसका क्या भूमिका है अपने मानवीय शरीर में, तो हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो कैंगेन वाटर है, अल्कलाइन वाटर, ये मानवीय शरीर में किस तरह से काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं मानवीय शरीर के लिए? सबसे पहले तो आप ये बात का इनकार नहीं करोगे कि पानी हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। पानी तीन टाइप के होते हैं, अल्कलाइन वाटर, न्यूट्रल वाटर एंड एसिडिक वाटर। शरीर के अंदर जो मांसपेशियां, सेल्स होती हैं, उनको उनकी जो ग्रोथ, पालन पोषण रहता है, न्यूट्रिशन रहता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है अल्कलाइन वाटर। और इसी वातावरण में, अल्कलाइन वातावरण में सेल की ग्रोथ अच्छी होती है और उनका लाइफ ज़्यादा होता है। इसलिए साइंस और वैदिक काल से अल्कलाइन वाटर को महत्व है। आप गंगोत्री का पानी लीजिए, उसका स्टडी करेंगे तो आप अल्कलाइन वाटर पाओगे। तो इसी शास्त्र का इस्तेमाल करके अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल साइंटिफिक वर्ल्ड भी करता है। अल्कलाइन वाटर में एजिंग कम होती है, शरीर की अपनी ग्रोथ अच्छी होती है, बीमारियों से हम दूर रहते हैं। अंदर प्रॉपर हाइड्रेशन जो सेल का होता है, सेलुलर लेवल का, वो अल्कलाइन वाटर से अच्छी तौर पे होता है। एसिडिक वाटर के कारण एसिडिटी, कम उम्र में मधुमेह या तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का आप लोग को प्रादुर्भाव हो जाना, और कम उम्र में हमारी हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाना, या तो फिर कम उम्र में हार्ट की बीमारी हो जाना, कैंसर्स, ऐसी डेंजरस बीमारियां दिख के आती है। तो अल्कलाइन वाटर सबसे महत्वपूर्ण है खुद के शरीर को निरोगी रखने के लिए और बीमारियों से दूर रखने के लिए। और बीमार मरीज भी अगर ये शुरू करता है तो उनकी बीमारियों का रिवर्सल भी पाते हैं लोग। काफ़ी बार हम देखते हैं कि अल्कलाइन वाटर का सेवन करने के बाद बीमारियाँ भी निकल सी जाती शरीर में से, क्योंकि जो बीमार शरीर की सेल्स होती है, कैंसर की सेल्स है या तो फिर कोई भी बीमारी का, इन्फेक्शन का एरिया है, उसमें अगर अल्कलाइन वाटर का माहौल मिला तो बीमारी अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि ये पानी अभी सभी जगह अवेलेबल नहीं है, तो कुछ लोग अगर कुछ दिनों तक ये वाटर लेते हैं और उसके बाद उनको वो अवेलेबल नहीं होता है और फिर लेते हैं, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या? देखो, स्विच ऑफ स्विच ऑन फिनोमेना ऐसा कुछ नहीं रहता। यानी ये पानी चालू किया तो इसका एडिक्शन हो गया, वो पानी चालू किया तो उसका एडिक्शन हो गया। पानी पानी होता है, पानी मैच हो जाता है बॉडी में। हमारी बॉडी के सेल्स है पानी के साथ एडजस्ट हो जाती है। तो आज आपने कैंगन वाटर या तो अल्कलाइन वाटर लिया, कल आपने न्यूट्रल पीएच के लिया, फिर आपने फिर दूसरा पानी लिया, तो बॉडी एकदम ऐसा कुछ रिवोल्ट करेगी ऐसा नहीं रहता है। और